वाराणसी में पुरानी रंजिश को लेकर चली गोली, मौके पर पुलिस मौजूद, दो हुए घायल। देखिए खबरें आज भी के लिए जनपद वाराणसी से बजरंग बली तिवारी की रिपोर्ट। वाराणसी में कल सुबह हिंदुस्तान अखबार के चौबेपुर संवाददाता सुरेंद्र पांडे व उनके पुत्र को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या का प्रयास किया। पुलिस ने दोनों घायलों को स्वास्थ्य विभाग के नरपतपुर के प्राथमिक उपचार कराने के बाद घायलों को ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। पत्रकार सुरेंद्र पांडे ने बताया कि मैं अपने दरवाजे पर बैठकर मोबाइल में भजन सुन रहा था, इसी दौरान उनका पड़ोसी असलहा लेकर ताबड़तोड़ उनके पुत्र के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। पुत्र को कमर के नीचे 6 गोली लगी और जब दौड़े बचाने के लिए तो बदमाशों ने इनके ऊपर भी गोली चला दी, जिनके जांघ पर गोली लग गई। गोली एक गाय को भी घायल कर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। आखिर अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है, सवाल पूछ रही है जनता। क्या पूरा घटना है? घटना ये कि मेरे खरियाने में पूरा हमारा रखल है और गाड़ी चलावने लेके अलन तो एक दिन कहन के फूक दे जर जाई नहीं हटा ले, तो प्रधान जी जाके कहने कि बचवा बेचे कि हमरे को कुआर घर में है, हम का करब रख के बेच जाई तो खाली हो जाई। तब वो दिन तो लड़ झगड़ के चल गए ना, कहना तोरे लड़का के गोली मारब, तन कहलन कि हमार जमीन है, तब उन कहने कि अच्छा पहले अपन बाउंड्री करवा ले, तब एक बिस्सा तो हम वहाँ दे दे, तू बनवा लिया मकान, अपना दे दे तू बनवा लिया, लेकिन जो पहले बाउंड्री घुमा ले के घरे के। तब बचवा इन कहने कि घबरा मत, तो हाँ तुरे लड़कन के दोनों जने के गोली मारो। अब वो प्रधान जी हो के सच में ना समझ लेन, हल्के में समझ लेन कि अरे करे इतना दम ना है कि गोली मारी। फिर वो चल गई लेन, वो चल गए, फिर रोज आवत रहे दो ठे लड़का लेके, आजो आयल रात के आयल तो दो तीन फायरिंग अपने दुआरे कर ले, तो प्रधान जी रहन दुआरे, लेकिन वो सोचलन कि भाई अपने दुआरे करत हन तो हम का करे बोल जाई। फिर ओकरे बाद आज भोर में प्रधान जी 5 बजे उठल न, गैया निकल न, निपटल न, मंजन कैल न, यही चारपाई पर बैठ कर रामायण देख रहल न। रामायण देखे के समय भैया बेटवा के जगौले न, बेटवा पेशाब करत रहे, पेशाब करके तो गैया के पानी नहीं, और तब से पहला गोली प्रधान के चलू ले न। ओकरे बाद प्रधान चिल्लात के भागल और बुलावत हो, वो लोग आवते हैं, तब से हमारे बेटवा के तीन फायरिंग कैल न, हमार बेटवा मूर्छित होके गिर गए, एक गैया के लगल, तीन छे हमारे बेटवा के लगल, एक तो यही पर से गणित से सड़क गल इतना दूर ले जर गल, और दूसरका को लिए जंगा में से लगल बचा, हम देख ना पैली, हम बेहोश गए। कब की घटना है ये? 6 बजे भोर का। 6 बजे जब? 6 बजे सवेरे का। तो कोई आसपास में था जो इस बारे में देखा? हाँ, पोतो हमार लेके जाते ले डोलची पूजा करे मंदिर में, वो देखले से तो घरे में घुसल सुचले से तो लब से सटर बंद कर दिले से पतोया। घरे में भी हालत चाल? घरे में भी हल्के सुचल से कि बहु लोग के मारी, तब से वो बंद करे से हम बेहोश हो गई, तो वह लड़का खेते में पड़ल और हम पड़ल, तो हम तो झूरे गिरल बेटवा, बेटवा तो हमारे तो पानी में भर ले खेते में गिरल लगे, दूजने उठा के सुतले। अभी तक कुछ कार्रवाई हुई? हाँ, क्या कार्रवाई हुई? हॉस्पिटल पर गई लेन, डॉक्टर को दिखा लेन, डॉक्टर पुलिस की क्या कार्रवाई हुई? रेफर कर लेन पुलिस के पहले। धन्यवाद। पल्लवी मिश्रा, रीचा से मांग लो। क्या है पूरी घटना? घटना यह साहब 10 वर्ष पहले की बात है, वहाँ पर पुअरा था, पुअरा रखा हुआ था, वह आया यहाँ पर, बोला कि अच्छा पुअरा हटवा दे प्रधान जी, प्रधान जी कहने के पुअरा हट जाये, उसके कोई परेशानी नहीं हुई, हम रखब और बेच भी दे तो जगह हो जाये। बाद विवाद वहाँ भया, फिर एक बात कहे कि हटोदार से गोली मारब, जरूर मारब गोली। एक बाद वहाँ हम 4 जने रही, हम रही गोली रहना, प्रधान रहना, पुराने। एक बाद जब तक बात हो गई वही बाद काम खत्म, ऐलान कह के गोली तनाज साहब चलना है, 6 बजे कह के सब इधर से प्रधान जी यहाँ रहना है, यहाँ से गोली लगा प्रधान के भी, और फिर भगना यहाँ आना, यहाँ से आगे यहाँ जाइए, यहाँ से गोली मरना, गाय के लगा रहा लड़का मार तब जब पेशाब कर लगा तब पेशाब के से गोली मरना, लड़का उलट कर रहा हुआ तो हम दौड़िए छप्टी छप्टा भर, तब से अपना मार करके अपना भागा है, गोली मार के भगा है। कब का ये पुआल का विवाद था? 6 बजे का है।
पुआर वाला विवाद कई दिन पहले का, पुआर 10 रोज के पहले का है, यही वो पुआरा रखा। इस संबंध में आप लोग थाने में एप्लीकेशन दिया जो गोली मारने की धमकी दिया था उसने? वो कोई इसका पता नहीं था, ये तो प्रधान बता सकते हैं कि कौन दिया क्या दिया, इसके बीच में 10 रोज के पहले नहीं बता पाएंगे कुछ। आज सुबह का यही वाक्य क्या है जी? जो बात है क्या सुबह सुबह गोली चली है सर, क्या है पूरा मामला? दीपक मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि पेशे से ड्राइवर भी है, आज रंजेश को लेके उसने, सुरेंद्र पांडे जी हैं जो हिंदुस्तान में काम करते हैं, तो प्रधान भी यहाँ के हैं, और उनके लड़के पवन पांडे को गोली चलाई है, जिसे गोली लगी उनके ऊपर। सर प्रथम दृष्टया क्या लगता है? जैसा ग्रामीणों से पूछताछ और इनके परिजनों से पूछताछ हमेशा प्रकाश में आया है कि यहाँ पर बंजर की जमीन पर पुआल रखने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, थाने से कोई जानकारी करने पर ज्ञात हुआ, कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं गई थी, लेकिन गांव के लोगों से पूछताछ करने पर यही ज्ञात हुआ। सर इसमें किसी की गिरफ्तारी वगैरह क्या कार्रवाई है? अभी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर कब तक गिरफ्तारी हो जाएंगे सर इसके? नहीं इसके लिए हम आपको कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते, लेकिन यथाशीघ्र पुलिस का काम है तत्काल अभी गिरफ्तारी का। अभी सर क्या हालात हैं उनके जो कि जिनको गोली लगी है सर? उनका इलाज थॉमस सेंटर में चल रहा है और अभी तक वो खतरे से बाहर। धन्यवाद।